हद पार देश की सेवा करने के बाद अब सियासत में आकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ये बातें सोराई ग्राम पंचायत के नवनियुक्त सरपंच लियाकत फौजी ने कही। लियाकत फौजी ने अपने वक्तव्य में बताया कि जिस तरीके से जनता ने प्यार और सम्मान दिया है, इसको पूरी ज़िंदगी कायम रखूँगा। लियाकत फौजी ने कहा कि सोराई ग्राम पंचायत की जनता अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही है। लियाकत फौजी ने कहा, यहाँ नुमाइंदों का शिक्षित न होना इस ग्राम पंचायत के पिछड़ेपन की सबसे वजह रही है। लियाकत फौजी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी और ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं हैं उन सब का समान विकास होगा और सभी समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निदान किया जाएगा। लियाकत फौजी सेना में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब उसके बाद वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। लियाकत फौजी ने कहा कि लीक से अलग हटके जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और जनता के भलाई के लिए, जनता के हित के लिए वो काम करना चाहते हैं और जनता का विकास, जनता का डेवलपमेंट सियासत में आकर ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने सियासत को चुना है और सियासत में आकर वो जनता का समान विकास करना चाहते हैं। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं और यहां की जनता ने नए सरपंचों को चुनने का काम किया है और एक नई पारी का आगाज हो गया है। हम मौजूद हैं सोराई ग्राम पंचायत में, यहां से नवनियुक्त सरपंच लियाकत फौजी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका फूलमालाओं से यहाँ की जनता स्वागत कर रही है और पूरे तरीके से ये लोग खुशी की आगोश में झूम रहे हैं। और एक एजुकेटेड और जब एक शिक्षित राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं विकास की उम्मीदें जग जाती हैं। जनता ने इस बार इसीलिए यहां से एक शिक्षित और एक नौजवान को चुना है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको जनता ने यहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। शुक्रिया, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल, जनता ने आप पर बहुत उम्मीद के साथ आपको चुना है, अब आपकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, कैसे विकास करा पाएंगे? अगले 5 साल के कार्यकाल पर नजर डालें। अगर जनता ने जिम्मेवारी दी है तो उस जिम्मेवारी का मेरे ऊपर भार है सभी का, मैं एहसानमंद हूं और कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे कार्य करने की। इसके उसमें कल से ही जो मुझे लगा जहां पे ज़्यादा माइनर काम था वो शुरू कर दिया गया है। जमालपुर का जो तिबारा है वहाँ पर पानी था, उसमें कचरा वगैरह डलवा दिया गया है। एक यहाँ पे थोड़ा सा रोड खराब है जी। आज ही यहाँ पे एक ट्रॉली कचरा कर डाल दिया गया है। दूसरा, जो वोटर है चाहे वो कोई सा भी गांव का हो, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, अभी सभी ने सपोर्ट किया है। माइनर वर्क्स कोई भी है, व्हाट्सएप पे फोटो खींचो, मेरे नंबर अवेलेबल नहीं है तो मैं सबको बता दूंगा जी। कहीं भी एक ट्रॉली दो ट्रॉली कचरा, ये नहीं इंडिविजुअल किसी घर के लिए नहीं, कोई ऐसा है रोड में बहुत ज़्यादा कहीं गड्ढा हो, मुझे फ़ोन करो, वहाँ पे ट्रॉली आएगी। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे में पेमेंट अपने आप कर दूंगा उसको, आप कहीं भी डलवा सकते हो। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आपके घर के भैंसों के नीचे डलवा दिया, वो नहीं चलेगा। रोड पे आने जाने में सामूहिक रास्ते में कहीं ज़्यादा समस्या आ रही है, उसको फोटो खींचो, व्हाट्सएप पर डालो, लोकेशन बता दो, वहाँ पर ट्रॉली पहुँच जाएगी। सर, आपने अपना मैनिफेस्टो भी तैयार किया होगा और पूरे ग्राम पंचायत का खाका तैयार करने के बाद क्या क्या ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जिनको करने की जरूरत है और जिनसे ग्राम पंचायत की दिशा और दशा बदल सकती है? सबसे पहले तो हमारे तीनों ही गांव, पूरी ग्राम पंचायत में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, पीने का पानी, तो कोशिश रहेगी फर्स्ट प्राथमिकता पानी के लिए होगी। दूसरा, जो आने जाने के रास्ते हैं, लगभग हमारे सभी खेती जमीन चारों तरफ है, लोग बाग खेती पर निर्भर हैं जी, तो आने जाने के जो रास्ते हैं उनमें उनको थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा सबसे ज़्यादा है एजुकेशन का, स्कूल कोशिश रहेगी रमसा डिपार्टमेंट से और भी डिपार्टमेंटों से कि अच्छे से अच्छे रूम वगैरह दिलवाए जाएँ कुछ, जिससे स्कूल का विकास हो, एजुकेशन बढ़ेगी। एजुकेशन ना होना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे, खास करके मेवात के लिए। तो ये मेरी लगातार आप जनता के बीच में गए, जनता ने आप पे विश्वास जताया और विषम परिस्थितियों में आपने जीत दर्ज की, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और लगभग मैं 16 साल सेना की सर्विस के बाद मैं गांव में आया, लोग बागों से मेरा ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा। उसके बाद कुछ रेजिडेंस मेरा अलवर में है,
आना जाना कम रहता है जी, लेकिन लोगों ने मुझे मेरे ऊपर विश्वास दिलाया दिखाया, तो इसके लिए मैं उनका एहसान मंद हूँ और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा करने की। चुनाव प्रचार में युवाओं की काफी मेहनत रही, कैसे किसको सिरे देने वाले हैं, कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे उन युवाओं को जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया आपके चुनाव प्रचार में? वैसे तो हर आदमी का सपोर्ट रहा है मुझे, चाहे जमालपुर हो, चाहे सोराई हो, चाहे हिंगोटा हो, लेकिन कुछ यूथ टीम थी जिन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास दिखाया। उनको लगा कि एक मतलब उनको एजुकेशन की तरफ लगा कि यार ये आदमी कुछ कर सकता है, तो युवाओं ने ज़्यादा भरोसा जताया मेरे ऊपर। मेरी टीम वर्क में ज़्यादातर युवा ही थे, बहुत ज़्यादा उम्र के आदमी नहीं थे, 50 से कम के। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से आज मैं जीता हूं। आपने सीमा पार देश की सेवा की है और पूरा देश की जनता है वो चैन की नींद सो रही थी उस वक्त, आप सीमा पार देश की सेवा कर रहे थे, अब जनता की सेवा करने का मौका मिला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला ये काम करने का। सेना में नौकरी की तो वहाँ भी देश की सेवा करने का मौका मिला, ये भी मेरे जीवन का बहुत अच्छा एक पार्ट था और अब ये नया रास्ता है। कोशिश रहेगी जनता जो उम्मीद कर रही है उस पर खरे उतरने की। सर कितना स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष, कम समय में जनता ने आपको उम्मीदों से कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे दी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जनता का आभार, जनता ने जो विश्वास दिलाया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और उन्होंने कुछ उम्मीद की होगी मुझसे तब आभार दिखाया, कुछ उनको कुछ लगा होगा कि ये सिस्टम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। सर विपक्ष को किस नज़रिए से देखेंगे? विपक्ष कोई था ही नहीं, सब पक्ष में थे, वो तो एक चुनाव तो 28 तारीख तक ख़त्म हो गया, मतलब कोई विपक्ष ने मेरे बारे में ऐसी कोई बात ही नहीं कही कभी। सब ने ये बोला कि ठीक है भाई चुनाव है लेकिन कैंडिडेट अच्छा है, तो वो तो सारा विपक्ष जो 5 कैंडिडेट थे मैं उनका भी आभारी हूँ, उन्होंने भी मतलब पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट किया, वो कैंडिडेट अच्छा है। सर जीत हासिल करने के बाद जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे जनता कुछ नया सीखने को मिले? जनता को कोई संदेश? संदेश ये है, सभी से मेरी गुजारिश है कि एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने खास करके लड़कियों को पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान दिया जाए, कुछ लिमिटेशन जो हम लगा के रखते हैं उसको थोड़ा कम किया जाए, उनको थोड़ा सा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो अब तो UPSC वगैरह में लड़कियां मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के है, जामिया वगैरह में एडमिशन बहुत से लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छी टैलेंटेड होने के बावजूद 12वीं के बाद में घर बैठ जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है। तो कोशिश करें लोग लड़कियों को पहचानें और उनको दिशा निर्देश मिलें, इधर लोग जो एजुकेशन में अच्छे हैं गाँव में तो उनसे थोड़ी सलाह मशवरा लेके और आगे की ओर उनको करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम तो यही आशा करते हैं कि आप अगले 5 साल में पूरा यहाँ की जनता का डेवलपमेंट करें, और सर का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ शिक्षा का अभाव है, यहाँ जनता सुविधाओं से वंचित है, उन सब की समस्याओं को सुना जाएगा और खास तौर से युवाओं के लिए और बच्चों के लिए एजुकेशन के फील्ड में काम किया जाएगा, ऐसा सर का मानना है। इनका कहना है कि जनता ने कम वक्त में जितना अच्छा भरोसा जताया है उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। हमारी DT न्यूज़ की टीम की लगातार सर्वे चल रही है और राजस्थान की हर कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमने सोराई ग्राम पंचायत के नवनियुक्त सरपंच लियाकत अली जी की वक्तव्य की सारी बातें सुनी और जानने की कोशिश की कि आखिर अगले 5 साल का खाका कैसे तैयार किया है। हम आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से हर कवरेज दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।